जो फॉर्म 45 जमा कराए जा रहे हैं उन पर स्टैम्प नहीं, हम भी वाइट पेपर तैयार कर रहे हैं। फॉर्म 45 पहले मार्केट में फ्लो किए गए, अभी नतीजे मुरतब किए जा रहे थे कि फॉर्म 45 मीडिया से चलने लगे। रानमानू लगातार की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा कि ये फितना साजिशी ग्रोह है, बयान देता है कि खैबर पख्तूनख्वा को ढाव बनाओ। अब ये कहते हैं कि अमरीका मुदाखलत करे, अमरीका क्या करेगा? खैबर पख्तूनख्वा में कूड़ेदान से शेर के बैलेट पेपर मिल रहे हैं। चार सीटों वाले मौलाना चले हुए कारतूस हैं, सियासत में मौलाना आ नहीं रहे, मौलाना जा रहे हैं। फैसल करीम कुंडी की सरबराजी UI पर तनकीद का आदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा JUI ने उठाया, सवाल किया PTI के वर्कर्स मौलाना की आवाज पर भंगड़े डालेंगे या PTI की आवाज पर मौलाना के वर्कर। बानी PTI मासूम फजलुर रहमान को मौलाना तक नहीं कहते थे, पैमरा पुराने क्लब चलाने की इजाजत दे। बानी PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सियासी थी, जनरल रिटायर्ड बाजवा ने तहरीक अदम एतमाद वापस लेकर इलेक्शन में जाने को कहा, मौलाना ने इनकी तजवीज मुस्तरद कर दी। रानमानू लीग मलिक अहमद खान ने सरबराजी UI का दावा मुस्तरद कर दिया, कहा मौलाना तो अदम एतमाद की ताखीर पर नाराज थे। फजलुर रहमान और इनके बेटे कहते थे PTI से किसी सूरत बात नहीं करनी। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान का बयान मुस्तरद, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा और साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैसल हमीर ने दो टोक अल्फाज में तरदीद कर दी। साबिक आर्मी चीफ और साबिक DG ISI के करीबी जरा ने कहा JUI पहले नंबर पर हकाइक दुरुस्त कर लें, क्योंकि जनरल फैज हमीद अदम एतमाद की तहरीक से कई माह कबल ISI छोड़ चुके थे। जनरल बाजवा के करीब जरा के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ की मौलाना से दो मरतबा मुलाकात हुई, दूसरी मुलाकात में दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मुलाकात इस वक्त के वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुई, क्योंकि वो चाहते थे तहरीक अदम एतमाद वापस ली जाए। एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक का सफर, अमरीकी साजिश का ढिंडोरा पीटने वाली तहरीक इंसाफ ने अमरीका को ही मदद के लिए पुकार लिया, इक्तदार की खातिर पाकिस्तान के इक्तदार आला को भी दांव पर लगाने को तैयार। हुकूमत साजी के लिए फॉरेन लॉबिंग, मरकजी रहनुमा रऊफ हसन की अमरीका बरतानिया के सफीरों से मुश्तरक मुलाकात, इंतहाबाद में मुबैना धानली का बवेला, नोटिस लेने का मुतालबा। बैरिस्टर सैफी गुज़िश्ता रोज नाम ले लेकर अमरीकी मुदाखलत की दावत देते रहे, गैर मुल्की सुफरा से PTI क़यादत के रबतों पर कई सवालिया निशान लग गए। हम इस मुल्क में रहना है जो जादू टोने से फैसले नहीं कराने, जब मुल्क की बात आएगी तो मैं इनका चेहरा दिखा दूंगा। ऑन 24 की बानी PTI पर तनकीद, कल एक न्यूज कॉन्फ्रेंस का ऐलान, कहा कि कल जिस मौलाना को गालियां देते थे आज इसी की मिन्नतें तरले शुरू कर दिए, घर का भेदी हूँ लंका ढाई तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, तहजीब से गिरी हुई बातें बताने पर मजबूर ना करें। हुकूमत साजी के मामले पर बातचीत तासुल का शिकार, मुस्लिम लीग नून की राबता कमेटी का क़यास से मुशावरत का फैसला, PP से वक्त मांग लिया, राबता कमेटियों का आज होने वाला अजलास मुलतवी। मुस्लिम लीग नून की कमेटी ने मुशावरत के लिए लाहौर रवाना होने की इतला कर दी, दोनों जमातों की राबता कमेटियों की बैठक अब कल लगेगी। इलेक्शन में मुबैना धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, 8 फरवरी के इंतहाबात कल अदम करार देने के लिए दरख्वास्त दायर, अदालत ने 19 फरवरी को समाअत मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुनवाई करेगा, दरख्वास्त गुजार की अदलिया की जेर निगरानी, 3 रोज में नए इंतहाबात की इस्तदा, मुतालबा किया इंतहाबात के नतीजे में हुकूमत बनने का अमल रोका जाए। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के रबते बहाल, लतीफ खोसा का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच को फोन, खैबर पख्तूनख्वा के साबिक विपक्षी सतह पर भी इश्तराक अमल कह दिया, आमिर टोगा ने भी तर्जमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ से रबता कर लिया। PTI मुज़ाकराती टीम की आज जमात इस्लामी क़यादत से मुलाकात का इम्कान।
बानी पीटीआई ने साफरा केस और तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। वकील लतीफ खोसा की वसादत से अपीलेदार अपीलों पर जल्द समाप्त के लिए मुतफरक दरखास्तें भी दायर। सेशन कोर्ट में इद्दत केस से मुतालिक भी अपील। बानी पीटीआई को साफरा केस में 30 जनवरी, तोशाखाना केस में 31 जनवरी को सजा सुनाई गई। शाह महमूद ने भी साफरा केस में सजा के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। पेशावर हाईकोर्ट में तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आज़म उमर अय्यूब की तमाम केसेस में हिफाजती जमानत। उमर अय्यूब की अदालत में पेशी। वकील ने बताया कुल 23 मुकदमा दर्ज हैं, 8 हफ्ते दिए जाएं ताकि तमाम मुकदमात में रिलीफ ले सकें। हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म देते हुए रहनुमा पीटीआई को 1 माह में मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।